आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने फॉरेक्स एक्सचेंज रेट में भारी भरकम फर्क पर चिंता जताई है। दरअसल जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के वक्त विदेशी करेंसी खरीदने जाता है तो उसे 2-4% अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मगर जब वो यात्रा के बाद बची हुई करेंसी को रुपए में तब्दील करने जाता है तो उसे फॉरेक्स रेट से 2-4% कम पैसे मिलते हैं। अब आरबीआई के मुताबिक ये फर्क बहुत ज्यादा है और इसमें पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं या फिर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करता है तो आपको भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। यही नहीं, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए आपको 2-4% तक चार्ज देना पड़ता है। कभी कभी ये चार्ज 6% तक वसूले जाते हैं। वहीं जब विदेशी करेंसी को वापस लौटाया जाता है तो उस पर भी चार्ज काट लिए जाते हैं। यानी जितनी रकम देकर आपने विदेशी करेंसी खरीदी है उससे कम पैसे आपको उसे लौटाने पर मिलते हैं। इसे हम डॉलर एक्सचेंज से समझ सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर शुक्रवार को सुबह डॉलर का रेट 81.97 रुपए था, मगर बाजार में डॉलर खरीदने पर आपको 82.88 रुपए से लेकर 85.05 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इसमें सबसे सस्ता डॉलर एसबीआई बेच रहा है तो सबसे महंगा एक्सिस बैंक। लेकिन जब आप डॉलर बेचने जाते हैं तो आपको 1 डॉलर के 79.20 रुपए से लेकर 81.38 रुपए मिलते हैं। इसमें सबसे कम कीमत एक्सिस बैंक लगा रहा है तो सबसे अच्छी कीमत एसबीआई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो विदेशी करेंसी को खरीदने और बेचने में भारी भरकम चार्ज देने पड़ते हैं। इस चार्ज को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वरन राव ने चिंता जताई है। उन्होंने इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर को अक्सर सूचना मिलती है कि आम आदमी और छोटे कारोबारी यानी एमएसएमई जब बैंक से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हैं तो उनसे ज्यादा शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बताया कि बड़ी कंपनियां भारतीय बाजारों में कैश के जरिए एक्सचेंज का लाभ लेती हैं, जबकि छोटी कंपनियों को ज्यादा शुल्क देती हैं। उन्होंने बताया कि हर बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं, मगर कई बार एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चार्ज लिया जाता है। आरबीआई ने एफएक्स रिटेल नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां कोई भी आसानी से विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकता है, लेकिन बैंक इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए प्रमोट नहीं करते। एम राजेश्वर राव ने एफईडीआई और सभी बैंकों से विदेशी मुद्रा बाजार में कम संसाधन वाले ग्राहकों के लिए साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एफईडीआई जैसे एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। एकता सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो करेंसी एक्सचेंज रेट पर बड़ा पेच, इतने हाईफाई रेट क्यों फॉरेन एक्सचेंज के? हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो चुके हैं जाने माने और बेहद सीनियर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रूंगटा। हर्ष सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और बहुत ही सही तरीके से पॉइंट आउट किया गया है कि किस तरीके से अलग अलग जो बैंक्स हैं या एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में लोगों को फॉरेन एक्सचेंज पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं हम कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों हैं? तो क्यों है वो तो हर बैंक जो होता है वो अलग जगह से मतलब बाई करेगा, मार्केट से बाई करेगा, तो कुछ ना कुछ उनके डिफरेंसेस होंगे। बट द मेजर डिफरेंस का रीजन होता है कि जो उस पे मार्कअप होता है वो हर बैंक का अपना होता है। कोई बैंक का कारोबार ही फॉरेन एक्सचेंज में छोटा है तो उसको शायद रेट भी मार्केट से भी उसको भी अच्छी रेट ना मिलती हो। इवन जब बैंकें खरीदती हैं, अगर खरीदती हैं या बेचती हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो उनको भी डिफरेंस देना पड़ता है। मतलब सेलिंग की रेट अलग होती है, बाइंग की रेट अलग होती है। एंड इसमें ऑब्वियसली जो बड़ी बैंकें हैं जैसे स्टेट बैंक है, ये दैट इज द वो सबसे बड़े प्लेयर हैं इसमें, तो ऑब्वियसली इसलिए उनका मार्जिन कम है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है कि जब आपको कोई बाहर से रेमिटेंस आता है, जब नॉन रेसिडेंट्स बाहर से रेमिटेंस करेंगे सेम डे पे अपने रिलेटिव्स को, तो समझो आपको $1 के बजाय 79 या 80 रुपए मिलते हैं सब कट कटा के। और वही बैंक में से अगर आप
डॉलर बाहर भेजते हैं एलआरएस के तरीके से, तो मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, तो उसको 84 रुपीस देना पड़ता है। तो यानी कम 4 रुपए का फर्क इन 80 रुपीस, मतलब 5-5% का खरीदने और बेचने में फर्क है। तो बिड और आस, मतलब खरीदने बेचने के दाम अलग होते हैं, हर मार्केट में होते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस ये दर्शाता है कि ये मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, जो कि आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर ने क्लियर किया है कि लिक्विडिटी है, लेकिन एक्सेस नहीं दिया जा रहा है रिटेल प्लेयर्स को। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट शुरू करके भी काफी दिन हो गया, अब इसको जो है कैसे किस तरीके से आरबीआई इनको फोर्स करता है, चाहे फेडाई के थ्रू करे जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो 5% की मार्जिन है ये कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष सर, आपने एक्चुअली जिस तरीके से बताया कि जितना डिफरेंस होता है मार्कअप, बेसिकली जो अपना एक मार्जिन, इसको सर कह सकते हैं, जो मार्जिन बैंक उस रेट पर लगाते हैं वो बैंकों का मार्जिन है। अब जो इस रेट पर मानिए 2-6% तक का चार्ज अगर बैंक लगा रहे हैं, और आपने कहा बैंक को अपना भी चार्ज उस पर देना पड़ता है, उन पर जो चार्ज लगता है बेसिकली, लेकिन क्या इस पर एक कैपिंग होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर जो बैंक है वो मार्कअप नहीं लगा सकते, एक अपर रेट है और एक लोअर कैपिंग है, और उस मार्जिन में ही आप उस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अपना मार्कअप लगा सकते हैं, क्या ये एक एडवाइजेबल एक तरीका हो सकता है जिससे कि जो छोटे कारोबारी है या जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा चपत तो उनको लग रही है, ये एक क्या इससे फायदा हो सकता है अगर एक मार्किंग तय कर ली जाए? तो एडमिनिस्ट्रेशन करना मेरे ख्याल से एक सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप है इसमें जैसे कि डेप्यूटी गवर्नर ने कहा, पहला स्टेप है पारदर्शिता लाना कि आपका मार्कअप कितना है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि मेरा कॉस्ट कितना है और उसके ऊपर मैंने मार्कअप कितना लगाया है, चाहे खरीदते समय हो चाहे बेचते समय हो, ये कंपल्सरी करना चाहिए कि वो मार्कअप एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक बार मार्कअप क्लियर होगा और सेकेंड जो अवेलेबिलिटी है इंडिविजुअल्स को, कि वो जो ये आरबीआई ने मार्केट शुरू किया है वो अवेलेबिलिटी के बारे में पब्लिसिटी करनी चाहिए, तो ये दो चीजें अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन करने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई भी मार्केट में यू नो प्राइस एडमिनिस्टर रेगुलेटर के थ्रू करना एक बहुत ही मैं जिसे कह सकता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप है, वो तभी लेना चाहिए कि दूसरे जब चीजें नहीं वर्क होती तभी वो स्टेप को लेना चाहिए, वरना प्राइस कैपिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली करना बहुत ज्यादा समझदारी वाली, मतलब उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हर्ष सर, ये आपने जो यहाँ पर बात बताई, क्योंकि आरबीआई ने एफएक्स रिटेल नामक एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहाँ पर आसानी से आप फॉरेन करेंसी का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक है इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने मार्कअप का इस्तेमाल किया, मार्कअप जो बैंक है वो अपना उस रेट पर लगा रहे हैं, तो रेगुलेशन कैसे होगा? आप खुद कह रहे हैं कि क्यों बार बार आरबीआई की ज़रूरत पड़े इसमें दखलंदाजी की, क्या क्या जरूरत पड़े बार बार इसकी, पर रेगुलेशन आएगा कैसे इस पूरे केस में फिर? तो जैसे रेगुलेशन ये हो सकता है कि जो भी बैंक का कॉस्ट है उसके ऊपर वो जो भी अपनी मार्जिन रख रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि वो मार्जिन कितनी, सबसे पहला स्टेप ये है, राइट। सेकेंड, ये जो एफएक्स रिटेल है इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है, तो ये ऑप्शन, आज मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक मीडिया एमएसएमई रन करता हूँ, हमारे अगर फॉरेन क्लाइंट्स है वो हमको कभी कभार फॉरेन से भी जो है फीस रेमिट करते हैं, हमारे अकाउंट में आता है, अब हमको तो वो कभी कभार होता है, वैसे ही इंडिविजुअल्स के लिए ये कभी कभार होता है, एवरीडे कभी नहीं होता, तो
जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे कि डेप्यूटी गवर्नर ने भी कहा, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका रोज होता है, तो उन लोगों ने ये अपने तरीके निकाल रखे हैं, तो उनको ये मार्कअप नहीं देना पड़ता। लेकिन जो छोटी एमएसएमईज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनका कभी कभार रेमिटेंस अंदर आएगा या कभी कभार उनको रेमिटेंस करना पड़ेगा, तो उस समय उनको एफएक्स रिटेल में जाके अलग से खरीदो या बेचो, फिर बैंक के थ्रू रेमिट करो, वो प्रोसेस अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और इजी नहीं है तो उसको यूज करना बहुत ही मुश्किल है। तो रेगुलेट ये हो सकता है कि जब मेरे, लेट्स टेक अ केस कि मेरे पास कोई रेमिटेंस आया, तो उसको कन्वर्ट करने से पहले बैंक ने मुझे ऑप्शन देना चाहिए कि आप ये एफएक्स रिटेल से लेना चाहते हैं कि हम कन्वर्ट कर दें, हम कन्वर्ट करेंगे, हम इस रेट पे करेंगे, हमारा इसमें ये मार्जिन है और एफएक्स रिटेल में ये रेट चल रहा है अभी फिलहाल, ऐसा टाइप का कोई अगर वो प्रोविजन लाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है अगर फैसिलिटी, तो ऑटोमेटिकली बैंकों को अपना मार्जिन जो है वो कम करना पड़ेगा। सर, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या कहती है इस पूरे मामले में? हमने भारत में तो समझ लिया कि किस तरीके से एक मार्जिन जो है वो बैंक्स लगाते हैं और उसका जो सीधा असर होता है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है, पर ग्लोबल प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरीके से कंफ्यूजिंग है इस मामले में। अब ग्लोबल प्रैक्टिस की जहां तक बात करें तो ये होता है कि जो विकसित देश है, मतलब अगर हम यूएस की अगर बात करें तो डॉलर चूंकि इंटरनेशनल करेंसी है, तो उनको, मुझे नहीं पता वहां पे क्या रिटेल लोगों को क्या फर्क पड़ता है या एमएसएमईज को क्या फर्क पड़ता है जब दे आइदर रिसीव या अगर वो लोग पैसा भेजते हैं बाहर, लेकिन वहां पे भी मार्जिन्स काफी हाई हैं, लेकिन वहां पे कंपटीशन होने की वजह से शायद मार्जिन्स इतने हाई कहीं नहीं देखे, जो इंडिया में है इतने हाई कहीं पे भी नहीं, मतलब जितने भारत में उतने हाई कहीं पर नहीं है और इसमें डेफिनेटली रेगुलेशन की ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल सर, जैसे हम जब डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, इंटरबैंक रेट के बारे में यहाँ पर बात सामने आ रही है कि इंटरबैंक रेट मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? इंटरबैंक रेट जिसके ऊपर जो बैंक्स है अपना मार्कअप लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, क्या वो जानना ज़रूरी है लोगों को? तो मुझे एग्जैक्टली इस टर्म का मीनिंग नहीं पता, बट इंटरबैंक रेट लेंडिंग बोरोइंग में तो सुना है, ये फॉरेन करेंसी में इंटरबैंक रेट क्या है मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सॉरी। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हर्ष सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।